एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और अभी तक मैंने जो भी व्लॉग्स बनाए हैं वो मोस्टली फेस्टिवल के व्लॉग्स होते थे और मैं ओकेजनली ही व्लॉग्स बनाती थी, जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। तो अभी मैंने आज से सोचा है कि मैं कुछ डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी, और अपने मन को भी समझाती हूँ कि मैं कर पाऊँगी। तो देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ डेली व्लॉगिंग। और प्लीज़ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो मुझे मोटिवेट करिएगा। और चलिए, अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, सुबह का सारा काम वगैरह मेरा हो चुका है। अभी दोपहर हो गई है, आई थिंक 1 बज रहे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं करा पाई थी तो डिले होता जा रहा है। तो अभी चलते हैं, पहले थ्रेडिंग करा लेती हूँ, फेस को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, और बाकी देखती हूँ क्या मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्या व्लॉग बना पाती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या बताना चाहते हो? अच्छा, पापा स्कूटी का चाबी खा रहे थे। उधर नहीं जाओ बेटा, गंदा है। पापा पूरे खत्म। बाय 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 बाय। तो बाहर से आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं अक्षु को सुलाने लग गई थी। तो अभी वो सो चुका है और अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा जो बर्तन वगैरह सिंक में पड़े हैं उनको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद अभी जो हमारा शाम का रूटीन होने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो दोपहर के बाद मैं आप लोगों को अभी मिल रही हूँ। शाम हो चुकी है, शाम के 6:15 हो रहे होंगे, और अभी लाइट जा चुकी है। 10-15 मिनट से बार बार लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, परेशान हो गए हैं। और अभी जा रही हूँ, शाम का दिया जला लेती हूँ, शाम हो चुकी है। उसके बाद फिर खाने की प्रिपरेशन करेंगे, शाम का जो भी डिनर बनना है वो बनाएंगे, और देखते हैं और क्या होता है वो सब आपको आगे दिखाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। चुटकू मुटकू, ये सो के उठ गए हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है ना बिट्टू? क्या हो गया आपके हाथ में, दिखाना। ओ, ये क्या हो गया है? ये मच्छर काट लिया है, इनको मच्छर काटता है तो ये बहुत सारा बोरोप्लस लगाते हैं अपने हाथ में, है ना बेटू? चलो अब लाइट का वेट करते हैं। तो फाइनली लाइट आ गई थी और अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ दिया जलाने के लिए शाम का, और शाम की जो पूजा वगैरह होती है वो भी मैंने कर ली है। तो अब वापस से चलते हैं किचन में और डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये मूंग की दाल है जो मैं बनाने जा रही हूँ। आज का हमारा डिनर होने वाला है दाल चावल और भरवा बैंगन, क्योंकि हम चावल बहुत बहुत ही कम खाते हैं, वीक में 1 बार या 2 बार। तो बस इसलिए मैंने आज सोचा कि भरवा बैंगन के साथ चावल बना लेते हैं। वैसे रात में चावल नहीं खाने चाहिए और रात में मैं बनाती भी नहीं हूँ, बट आज मन कर गया तो हमने सोचा चलो दाल चावल और बैंगन ही खाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल में सब कुछ मिक्स कर दे रही हूँ। हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया है, और तब तक अक्षु को चाहिए था जैम ब्रेड, तो यहाँ पर उसका जैम ब्रेड रेडी हो रहा है। इसको देने के बाद अब मैं दाल जो है वो गैस पर चढ़ा दूँगी, और साथ ही में सबसे पहले जो भरवा बैंगन बनाने हैं उसके मसाले रेडी करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जीरा और सौंफ वगैरह जो है वो भून लूँगी,
और उसको पीसना है। आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, मेरे दूसरे चैनल पे है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो पूरा भरवा बैंगन का फुल रेसिपी है उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो बस ये सारे मसाले जो है पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद बैंगन को भरेंगे और बनाएंगे। तो आप भी देखिए कैसे बनाते हैं, और फुल रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पे जाकर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे बैंगन भरने के बाद मैंने कढ़ाई में इस तरीके से रख दिए हैं और इनको ढक दिया है, धीमी आंच पे पकेंगे। और यहाँ पर आ गई है जलेबी, तो अभी हम इंजॉय करेंगे दही जलेबी का। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, इवन कोई भी और भी स्वीट्स ना इसके आगे फेल है, मुझे जलेबी मिल जाए तो। तो आप में से किसको किसको जलेबी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से पहले जलेबी खा लेते हैं दही के साथ। तो अभी फिर से बैंगन चेक कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो जल जाएंगे। तो इनको बीच बीच में हमें इस तरीके से पलट देना है जिससे कि सारे तरफ से अच्छे से पक जाए। तो अभी मैंने एक बार पलट कर दोबारा से इसको ढक दिया है पकने के लिए, और अब हमारे जो ये बैंगन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे, ये हमारे बैंगन जो है वो रेडी हो गए हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ और अब हम लगाएंगे दाल में तड़का। दाल को छौंकना है, और उधर कुकर में मैंने चावल भी रख दिए हैं तो चावल भी बन जाएंगे और इसके बाद हमारा होगा डिनर। तो दाल को भी तड़का लगा देते हैं जब तक चावल तैयार हो रहे हैं। जल्दी करो होमवर्क अक्षु, जल्दी करो होमवर्क करो बेटा। ऐसे पेंसिल पकड़ते हैं, देख रहे हैं। तो डिनर हमारा रेडी हो गया है, अभी यहाँ पर अक्षु का होमवर्क हो रहा है तो ये कर लेगा, उसके बाद हम डिनर करेंगे। और वो ऐसे ही रिटर्न वर्क नहीं करना चाहता है तो परेशान करता है। और अभी होमवर्क नहीं करना है ना, मुझे तो डीमार्ट जाना है। डीमार्ट जाना है अभी 9 बजे। जल्दी से होमवर्क करो, फिर क्या करेंगे हम लोग? डीमार्ट आएंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। नहीं, डिनर करेंगे। चलो बाय कर दो गाइस को। बाय बाय बाय, इधर इधर फेस करो। बाय बाय, इधर फेस करके बाय बाय। तो अब आगे का जो वॉइस है वो अक्षु का होगा, क्योंकि वो आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, उसका मन है वॉइस ओवर करने का, तो उसकी आप एक बार बात सुन लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने, बाय।